हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव रंजीता शर्मा। आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ कुमार कॉलोनी का, जो कि प्रजापत कॉलोनी के नाम से भी बहुत फेमस है। ये उत्तम नगर में है, दिल्ली के उत्तम नगर में। यहाँ पर आप उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन पर उतर कर ई रिक्शा हायर कर सकते हैं और वहाँ पर जा सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर टेराकोटा के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और यहाँ पर घर घर में टेराकोटा के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। हर तरह का प्रोडक्ट्स वहाँ पे बनाया जाता है और पेंट किया जाता है। आप जैसा भी वहाँ से परचेज कर सकते हैं, बिना पेंट का भी और पेंट के साथ भी। आप देख सकते हैं यहाँ पर उर्ली हैं, मूड़े हैं और बहुत सारे पिग्गी बैंक्स भी हैं अलग अलग शेप्स के। और घर में सजाने का और गार्डन में सजाने का हर तरह का सामान वहाँ पर अवेलेबल है और प्राइसेस भी इनके बहुत ही अच्छे हैं। वहाँ पर बहुत सारे गणेश जी के मूर्तियाँ थी अलग अलग तरह की, और शिव जी की, शेरावाली माता की बहुत सारी सुंदर मूर्तियाँ थी। और ये देखिए, इस पर ग्लास रखकर इसको टेबल भी बना सकते हैं। और ये उर्ली है और वॉल हैंगिंग्स भी वहाँ पर बहुत ही अच्छी थी। बुद्धा के स्टैचूज थे वहाँ पर। आप हर तरह की चीज़ वहाँ से परचेज कर सकते हैं अपने घर में सजाने की। ये देखिए, वॉल हैंगिंग्स हैं अलग अलग शेप्स की। और ये हैं गणपति, जो कि अलग अलग कलर्स में, अलग अलग साइजेस में वहाँ पर अवेलेबल थे। और वहाँ पर बिना पेंट के प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल थे, जो कि आप अपने घर में अपने मनपसंद के पेंट कर सकते हैं, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। वहाँ पर हर घर में इसी टेराकोटा का ही काम किया जाता है और पूरे इंडिया में सप्लाई वहीं से होती है टेराकोटा प्रोडक्ट्स की। ये देखिए आप, ये पूरी मार्केट वहीं टेराकोटा की है, जो जितनी भी शॉप्स हैं टेराकोटा की हैं। और मैंने वहाँ से ये परचेज की थी एक उर्ली, जो कि बिना पेंट के है। इसे मैं पेंट करूँगी, इसे मैं ब्लैक कलर का बेस दूंगी और अलग अलग सुंदर कलर से पेंट करूंगी। इसका वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने इसे पेंट किया और कलर किया। इस तरह से आप वहां पर बिना पेंट के प्रोडक्ट्स भी परचेज कर सकते हैं। काफ़ी हैवी है ये देखिए, ये वाला ऑयल कलर, ऑयल पेंट जो कि हम दरवाजे खिड़कियों पर करते हैं, ये पेंट है मेरे पास। इस कलर का मैं बेस दूंगी और उसके बाद मैं जो ये फ्लावर्स हैं इन पर अलग अलग कलर्स करूंगी। इसको हम पानी भरकर दिवाली के टाइम पर या किसी भी फेस्टिवल या घर में बर्थडे पार्टीज़ के टाइम पर पानी भरकर इसमें फ्लावर्स सजाकर डेकोरेट कर सकते हैं अपने घरों में, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और मैंने वहाँ से ये गणपति जी भी परचेज किए थे। ये भी टेराकोटा के हैं और इस पर जो कलर्स किए गए हैं वो बहुत ही सुंदर हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस पर ग्रीन येलो कलर किया गया है। और जो इसके नीचे का स्टैंड है, ये मैंने विदाउट पेंट वहाँ से परचेज किया था और इसको मैंने पेंट कर दिया है। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, मैं उर्ली में जैसा पेंट करने वाली हूँ उसी तरह से मैंने इसमें पेंट किया है। इसका वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने इसको कैसे पेंट किया। इसमें मैंने ब्लैक कलर का, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, उसका बेस देकर इसके ऊपर फैब्रिक कलर्स यूज़ किए हैं। और मैंने एक ये उर्ली परचेज की है वहाँ से, ये मैंने पेंट के साथ ही परचेज़ किया है, इसमें मैंने पेंट नहीं किया है। इसमें ऑलरेडी पेंट हुआ हुआ था और देख सकते हैं आप, इसमें ब्राउन कलर का बेस देकर और जो फ्लावर्स हैं उन पर ग्रीन ऑरेंज का शेड किया हुआ है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। अभी मैंने रखा हुआ है और ये मैंने एक अपने मेन एंट्रेंस पर ये शुभ लाभ का हैंग करने के लिए लिख के आई थी, पेंट वहाँ से परचेज किए हैं। और इस पे देखिए आप, मोर के सुंदर डिज़ाइन के साथ शुभ और लाभ लिखा हुआ है।
ये दोनों का पेयर था और यहाँ पे हैंग करने के लिए भी स्पेस है, जो कि अभी मैं हैंग करूँगी अपनी मेन एंट्रेंस पर। ये भी टेराकोटा का ही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, तो जिन फ्रेंड्स ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इस पर पीछे की तरफ ब्लैक कलर किया हुआ है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।